हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्वेषा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास जूनियर केजी और एलकेजी कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में हम क्लास जूनियर केजी में बच्चों को पूरे साल में इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और हिंदी में क्या क्या टॉपिक सिखाए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले है। सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है प्ले राइटिंग स्ट्रोक्स। वैकेशंस के बाद जब बच्चे स्कूल फिर से आना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि नर्सरी से अभी एलकेजी में जब जाते हैं, स्टार्टिंग में उनसे प्ले राइटिंग स्ट्रोक्स की ही प्रैक्टिस कराए जाते हैं। नर्सरी में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, ये जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं वो अच्छे से सिखाए होते हैं। फिर भी एलकेजी में बच्चों को स्टार्टिंग में इंग्लिश में ये जो सारे स्ट्रोक्स होते हैं उनकी एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। इसमें पहले ट्रेसिंग भी कराते हैं और बाद में उनको खुद को लिखने के लिए भी ये स्ट्रोक्स देते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल लेटर्स ए टू जी। नर्सरी में बच्चों को सेकेंड टर्म में कैपिटल लेटर्स सिखाए जाते हैं, फिर भी उनको एलकेजी में एक बार फिर से इसकी रिवीजन कराते हैं। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि बच्चों को लेटर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि अगर टीचर्स बोले ए तो बच्चों को ए कौन सा है, बी बोला तो बी कौन सा, इसे जो लेटर्स है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। देन राइटिंग, राइटिंग में भी बच्चों को ए टू जी की प्रैक्टिस कराई जाती है। देन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अल्फाबेट। नेक्स्ट होता है स्मॉल लेटर्स ए टू जेड। यहाँ पे बच्चों को स्मॉल लेटर्स एलकेजी में सिखाए जाते हैं। उसमें आता है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी बच्चों को स्मॉल लेटर्स ए टू जेड जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। उसके बाद राइटिंग, स्मॉल लेटर्स बच्चों को यहाँ पे राइटिंग में भी सिखाते हैं। देन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर इस टॉपिक में बच्चों को ऐसे कुछ पिक्चर्स दिए रहेंगे तो बच्चों को इसका फर्स्ट लेटर क्या है वो लिखना है। जैसे कि ट्री, तो टी, काइट, के, या फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए रहेंगे, उसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स दिए रहेंगे तो बच्चों को राइट पिक्चर को राइट अल्फाबेट के साथ मैच करना है। जैसे कि कप, ये सी, बैट, बी फॉर बैट, फिश, F, इस तरह से बच्चों को लेटर्स मैच करने के लिए दे दे, या फिर कैपिटल लेटर्स दिए होंगे और एक कॉलम में स्मॉल लेटर्स दिए होंगे तो बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को एक दूसरे के साथ मैच करना होता है। लेटर्स हो जाने के बाद बच्चों को वोवल एंड कॉन्सोनेंट यह टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि हमें पता ही वोवल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो अल्फाबेट है इसको हम वोवल कहते हैं, और कॉन्सोनेंट इसके अलावा जो भी अल्फाबेट से उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। यहाँ पे बच्चों को वोवल एंड कॉन्सोनेंट का यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया जाता है, वोवल्स कौन से और कॉन्सोनेंट कौन से है। उसके बाद वर्ड्स विद वोवल, बच्चों को वोवल के साथ वर्ड्स सिखाते हैं। उसमें सबसे पहले टू लेटर वर्ड्स जैसे एन, इन, इट, ऑट, अन, जो टू लेटर ब्लेंडिंग होते वो बच्चों को सिखाते हैं, और उसके बाद ये वोवल साउंड, वोवल अल्फाबेट को यूज करके थ्री लेटर वर्ड्स भी लिखना सिखाते हैं। फैन, पेन, लेट, फुट, बन, ये जो ऐसे वर्ड्स है बच्चों को पहले रीडिंग करने के लिए सिखाते हैं विद फोनिक साउंड, उसके बाद लेटर्स बच्चों को लिखने के लिए देते हैं। उसके बाद सीवीसी वर्ड, सीवीसी यानी कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, सीवीसी वर्ड्स बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे कि बैल, कॉन्सोनेंट है बी, ए वोवल है जी, सीवीसी जो है कॉन्सोनेंट है, तो ये हुआ सीवीसी वर्ड्स। इस तरह से और भी वर्ड्स सिखाते हैं जैसे कि बैट, पेन, बीन, टॉप, बग, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बच्चों को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए होंगे तो बच्चों को पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और इसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं तो पिक्चर से रिलेटेड जो राइट वर्ड है उसको हमें सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया है बैट का और नीचे वर्ड लिखा है हैट और बैट, तो राइट वर्ड है उसको हमें सर्कल करना है बैट। नेक्स्ट है ये टब, ऑप्शंस दिए बग, टब, राइट वर्ड उसको हमें यहाँ पे सर्कल करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द करेक्ट लेटर। यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ किए होंगे और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे जो राइट लेटर आएगा वो बच्चों को यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पे पिक्चर है हट का, तो यहाँ पे डैश यू टी लिखा है, फर्स्ट लेटर आएगा एच यू टी हट। यहाँ पे सन का पिक्चर है और एस यू एन सन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए होंगे तो बच्चों को वो पिक्चर्स देखना है और उसका स्पेलिंग जो है वर्ड्स है वो लिखना है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक थ्री लेटर वर्ड्स ही बच्चों को यहाँ पे थ्री लेटर या टू लेटर्स के वर्ड्स रहेंगे वही यहाँ पे स्पेलिंग सिखाई जाती है। इसलिए फर्स्ट है कप, सी यू पी कप। नेक्स्ट है नेट, एन ई टी नेट। एक्स, ए एक्स ई एक्स। नेक्स्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ओवल। यहाँ पे बच्चों को करेक्ट ओवल करके यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसमें लिखना है। जैसे कि आपकी सी डैश पी, सी ए पी कैप भी हो सकता है, सी यू पी कप भी हो सकता है, एन आई बी नीड, एस ए टी और एस आई टी सेट, आर यू बी रब, टी ओ पी टॉप। नेक्स्ट होता है दिस एंड दैट। बच्चों को यहाँ पे दिस एंड दैट जो टॉपिक होता है सेकेंड टर्म में सिखाया जाता है। जैसे कि हमें पता ही है दिस कब यूज करते हैं, कोई चीज सिंगल है और हमारे पास है तो हम दिस का यूज करेंगे, और दैट कब यूज करते हैं, कोई चीज सिंगल है और हमसे दूर है तब हम दैट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी है डैश इज एन एप्पल, एप्पल हमसे पास है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस इज एन एप्पल। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, ये हमसे दूर है तो दैट इज एन अम्ब्रेला। इस तरह से हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट होते हैं साइट वर्ड्स। एलकेजी में बच्चों को जो बेसिक साइट वर्ड्स होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट हीज विद द एंड, ऐसे जो बेसिक साइट वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद आता है ऑपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में जो बेसिक जो रहते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ऐसे ही वर्ड्स बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे कि इन आउट, अप डाउन, राइट लेफ्ट, ये जो बेसिक अपोजिट वर्ड्स होते हैं वही यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। और नेक्स्ट होता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जैसे कि कैट, मैट, हैट, फैट, हिप, टिप, बिप, ऐसे जो बेसिक वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स में भी सिंपल सिंपल वर्ड्स ही सिखाते हैं। इसके अलावा ओरल में भी बच्चों को लेटर्स पूछते हैं, उसके बाद दिस एंड दैट के सेंटेंस जो रहते हैं वो भी बच्चों को ओरली टीचर्स को बताना होता है। हम दिस कहाँ पे यूज करते हैं, दैट कहाँ पे यूज करते हैं, ओरली टीचर्स बच्चों को ओरल जो एग्जाम्स रहते हैं उससे अपोजिट वर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर उनके बारे में माई सेल्फ उनके खुद के बारे में कुछ सेंटेंस रहते हैं बच्चों को यहाँ पे बोलना होता है। इसके अलावा उनके टेक्स्ट बुक में जो जो टॉपिक्स रहते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बच्चे को टीचर्स पूछ सकते हैं, और जो राइम्स होती है वो स्टोरीज होते हैं वो भी बच्चों को यहाँ पे ओरली बताना होता है। नेक्स्ट हम एलकेजी में पूरे साल में बच्चों को मैथ्स में क्या सिखाते हैं वो टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है नंबर्स 1 to 50। बच्चों को नंबर्स पूरे साल में 1 to 50 तक सिखाया जाता है। इसमें ओरली भी बच्चों को नंबर्स बोलने होते हैं और रिटर्न में भी ये नंबर्स बच्चों को लिखने के लिए सिखाते हैं। उसके बाद आता है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग यानी 50, 49, 48, 47, 46, ये जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है बच्चों को ओरली भी सिखाते हैं और उसके बाद उनको लिखना भी सिखाते हैं। नेक्स्ट होते हैं नंबर नेम्स 1 to 10। किसी स्कूल में 1 to 10 नंबर नेम्स सिखाते हैं और किसी किसी स्कूल में 1 to 20 तक सिखाते हैं। तो आपके बच्चों के स्कूल में जो जो नंबर नेम्स जहाँ तक सिखाते हैं वो आप उससे बच्चों को रिविजन कराइएगा। नंबर नेम्स यानी कि जैसे कि ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू, इस तरह से बच्चों को यहाँ पे स्पेलिंग लिखवाते हैं और उनसे लर्न भी कराते हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर कॉन्सेप्ट। वो नंबर बच्चों को 1 to 50 के बीच में ही सिखाते हैं। आफ्टर नंबर यानी नेक्स्ट नंबर 5, 6, 10, 11, 21 का बिफोर नंबर, 20, 44 का बिफोर नंबर, 43, 11-13, 11, 12, 13, 24, 25, 26। इस तरह से बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर के भी यहाँ पे
टॉपिक सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स 1 to 50 तक यहाँ पे बच्चों को लिखवा दे। जैसे कि 5 दिया होगा तो 6 फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो बच्चे यहाँ पे 6 लिखेंगे। 7 दिया है, 8 दिया तो उसके नेक्स्ट नंबर है 9, तो बच्चों को यहाँ पे वो लिखना है। 24, 25, 26, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है काउंट एंड राइट 1 to 10 तक। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे तो बच्चों को वो काउंट करना है और इसकी वैल्यू जो है वो लिखना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे बच्चे जो नंबर है वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे और उससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो सारे टॉपिक्स रहते हैं प्री मैथ कॉन्सेप्ट में आते हैं, जैसे कि इन आउट, बिग स्मॉल, हेवियर लाइटर, अबव बिलो, अप डाउन, इस तरह से जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए, उसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको हमें सर्कल करना, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमने सर्कल किया। नेक्स्ट है टिक द बिगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसमें से जो सबसे बिगर ऑब्जेक्ट है उसको टिक करना है। नेक्स्ट टॉपिक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एलकेजी में बच्चों को 1 to 10 नंबर तक ही सिखाए जाते हैं। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल टू बिग, अभी यहाँ पे 4, 6, 10, इसमें से सबसे स्मॉलर है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 10। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बिग टू स्मॉल, यहाँ पे सबसे बिग है 9, उसके बाद 7, उसके बाद 1। नेक्स्ट है शेप्स, इसमें जो बेसिक शेप्स रहते हैं, जो सॉलिड शेप्स रहते हैं बच्चों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराते, जो प्लेन शेप रहते हैं वही बच्चों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। नेक्स्ट होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जैसे कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 मैंगो है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे बच्चे। एप्पल कितने, 1, 2, 3, 4, तो एप्पल जितने उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे, 4 एप्पल। अभी हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। एलकेजी में बच्चों को हिंदी में सिर्फ स्वर ही सिखाते, अ से आ तक ओरली विद पिक्चर बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं, और रिटर्न में भी बच्चों को अ से आ तक सिखाते हैं। उसके बाद होता है क्वेश्चन चित्र देखकर सही अक्षर से मिलान करो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए रहेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, तो बच्चों को जो राइट अक्षर तो वो राइट पिक्चर्स के साथ मैच करना है। ठीक है, आम है तो आ को मैच करेंगे, ओखली है तो ओ को मैच करेंगे, इमली हम ई को मैच करेंगे। नेक्स्ट होता है चित्र देखकर सही स्वर पर गोला लगाओ। अभी यहाँ पे पिक्चर है ई का और यहाँ पे ऑप्शंस दिए अ और ई, तो राइट स्वर है ई, तो हम उसको गोला लगाएंगे। अंगूर है और यहाँ पे अंग दिया है आहा, तो राइट स्वर है अंग, तो उसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है सही स्वर को उचित स्थान पर लिखो। अभी यहाँ पे पिक्चर है एनक का और यहाँ पे डैश न क, यहाँ पे एनक, ये अनार का पिक्चर है तो अ ना र यहाँ पे आएगा अ। नेक्स्ट हम ईवीएस का सिलेबस देख लेते हैं। ईवीएस में बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं माई सेल्फ, यहाँ पे उनको खुद के बारे में, वो कहाँ पे रहते हैं, वो कितने, उसका एज क्या है, ऐसे जो सिंपल सिंपल टॉपिक्स रहते हैं वो यहाँ पे सिखाते हैं, हम कैसे बोलेंगे बच्चों को यहाँ पे याद कराते हैं। उसके बाद माई फैमिली, माई फैमिली में उनकी फैमिली कौन कौन रहते हैं, उसमें न्यूक्लियर फैमिली कौन सी है और बिगर फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली कौन सी है, यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। फैमिली मेंबर्स को क्या कहते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, अंकल, आंटी, जो होते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद माई बॉडी पार्ट्स, बच्चों को यहाँ पे उनके बॉडी पार्ट्स के हैंड, लेग, उनका फंक्शन क्या है वो विद सिंपल सेंटेंस यहाँ पे सिखाते हैं। माई होम, माई होम में हॉल, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, उसका यूज क्या है, हम कहाँ पे क्या करते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे सिखाते हैं। माई स्कूल, माई स्कूल में बच्चों को उनके स्कूल के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन,
जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है वो बच्चों को सिखाते हैं, वो उनका फंक्शन क्या है वो भी यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस एंड गुड हैबिट्स। क्लीनलीनेस एंड गुड हैबिट्स क्या है, वो हमें क्यों फॉलो करने चाहिए वो भी बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट मीन्स क्या, रेड लाइट मीन्स क्या, येलो लाइट मीन्स क्या, वो लाइट्स के मीनिंग क्या है बच्चों को सिखाते हैं, उसके ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट होता है नेशनल सिंबल्स। हमारे नेशनल सिंबल्स क्या है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीफ, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, ये जो पार्ट्स है बच्चों को उसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पे बच्चों को विद एग्जाम्पल सिखाते हैं। वाटर, वाटर हमें क्यों जरूरी है, इसके साथ ही बच्चों को हमें वाटर कहाँ से मिलता है वो भी यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है हेल्दी फूड एंड जंक फूड। हेल्दी फूड कौन से है, वो हमें क्यों खाने चाहिए, जंक फूड कौन से है, हमें क्यों नहीं खाने चाहिए, ये बच्चों को यहाँ पे विद एग्जांपल सिखाते हैं। फेस्टिवल, फेस्टिवल में हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल है जैसे कि दिवाली, दशहरा, जो रिलीजियस फेस्टिवल है, और उसके बाद नेशनल फेस्टिवल जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उसके बारे में यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है यूजेस ऑफ मैजिक वर्ड, जैसे कि थैंक यू, सॉरी, जो मैजिक वर्ड है हम कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा है क्लास LKG और जूनियर KG लेटेस्ट सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जरूरी से लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आपको क्लास LKG और जूनियर KG रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, उसके लिए क्लास LKG का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।